यो ब्रह्माणं वेदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अनिर्वाच्यवेद्यादितयसचिवस्य प्रभवतो विवर्तायाशैते वियदनिलतेजोभवनयः यतश्चाभूद्विश्वम् चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानमृतम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ब्रह्मसूत्र में हम लोग प्रथम सूत्र का प्रारंभ किए हैं कल। तो ये ब्रह्म सूत्र वेदांत मीमांसात्मक शास्त्र है, विचारात्मक शास्त्र है वेदांत। ये ब्रह्म सूत्र, इसको शारीरिक मीमांसा भी कहते हैं। जीव का जो वास्तविक स्वरूप है उसका विचार यहाँ पर किया जाता है। शारीरिक का अर्थ है जीव, कुत्सितम शरीरम यदि शरीरकम, ये शरीर तो कुत्सित है, बहुत दोष से युक्त है, इसलिए शरीर को कहते हैं कुत्सित शरीर। उसको यहाँ पर कहा शरीरक, कुत्सित अर्थ में क प्रत्यय होता है। और शरीर के भव यदि शारीरक, तो कुसित शरीर में तादात्म्य करने वाला निवासी जीव, शारीरक का अर्थ होता है जीव। उसका जो वास्तविक स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, असंग स्वरूप है, कूटस्थ साक्षी स्वरूप है, उसका यहाँ पर विचार किया गया। इसलिए और पूजित विचार किया गया, ज्ञान के लिए अनुकूल विचार किया गया, तो पूजित विचार को कहते हैं मीमांसा। ऐसा जीव का वास्तविक स्वरूप के विषय में पूजित विचार जहाँ पर किया गया हो उसको कहते हैं शारीरिक सूत्र, शारीरिक मीमांसा। हैं तो पूर्व कांड जो कर्म कांड है वो धर्म जिज्ञासा है ना, पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, और इसको शारीरिक मीमांसा उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, तर्क प्रस्थान भी कहते हैं ब्रह्मसूत्र को। तो इसके ऊपर विचार होता है भी ग्रंथ का आरंभ क्यों करते हो। ग्रंथ का आरंभ तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि
ग्रंथ का विषय ही नहीं है, ग्रंथ का प्रयोजन ही नहीं है, विषय प्रयोजन जब है ही नहीं तो विचार कैसे करेंगे। तो विचार ये ग्रंथ का विषय जीव ब्रह्म का एकत्व कहते हो, ऐसा विषय तो सिद्ध ही नहीं होगा, और ऐसे ज्ञान से कोई मुक्ति तो है ही नहीं, इसलिए ग्रंथ विचारणीय नहीं है। और कुछ लोग कहेंगे कि देखो ये जो ब्रह्मसूत्र है ये तो उपनिषद के ऊपर विचार है, और उपनिषद तो वेद के अंतर्गत आ गया, और संपूर्ण वेद का ही विचार तो पूर्व मीमांसा में हो गया, क्योंकि संपूर्ण वेद का तात्पर्य धर्म में है ना, फिर अर्थात धर्म जिज्ञासा, तो वहाँ पर ही ये उपनिषद गतार्थ हो गया है, मतलब इसका विचार कर दिया गया। इसका विचार जब कर ही दिया गया है उपनिषद का कर्मकांड में पूर्व मीमांसा में, इसलिए गतार्थ हो जाने से इसलिए उपनिषद के विषय में ब्रह्मसूत्र का विचार आरंभणीय नहीं हो सकता, व्यर्थ है वो। जिसका विचार पहले हो गया तो उसको आरंभणीय कैसे होगा, है कि नहीं। तो इसलिए संदेह हो सकता है, जो ब्रह्मसूत्रकार ने लिख ही दिया है व्यास जी ने, है ना, इसलिए आरंभ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, गतार्थ होने से आरंभ नहीं करना चाहिए, है ना। कहाँ पर गतार्थ हो गया, कर्मकांड में गतार्थ हो गया, ये विचार हो दिया कर दिया गया, लेकिन ब्रह्मसूत्रकार ने फिर लिखा है ब्रह्मसूत्र, इसलिए आरंभ करना चाहिए कि आरंभ नहीं करना चाहिए, संदेह होता है, समझ में ना। इसलिए यहाँ पर कहते हैं प्रथम में ही नहीं, विचार तो करना चाहिए, ये बात कहने जा रहा है। तो सूत्र के माध्यम से ही कहा जा रहा है, और सूत्र कहते हैं आपकी भावमती में दिया है सूत्र, हालांकि लघु में भी दिया है, इसको याद करिएगा जिसको करना हो तो। लघुनि सुचितार्थानि सल्पाक्षर पदानि च सर्वतः सारभूतानि सूत्राण्याहुर मनीषिणः, आपके लघु में भी दिया है, लघु सिद्धांत कौमुदी में भी है, तो यहाँ थोड़ा अलग ढंग से दिया है, ये पराशर स्मृति में कहा गया, थोड़ा सा सुन लीजिए। हालांकि मैंने कल बता दिया लघुनि सुचितार्थानि, देखो आपके लघु में दिया है ना, लघु सिद्धांत कौमुदी में सल्पाक्षरम है असंदिग्धम सारवत विशतो मुखम अस्तोभ मनमध्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदो, ऐसा क्या है। और अभी मैं व्हाट्सएप में दिया हूँ, देखो है ना, वो तो अधिकरण का है, अधिकरण का आपकी पुस्तक में है, आपकी पुस्तक में है ये लघुनि का अर्थ यहाँ पर लेना है असंदिग्धार्थम, ऐसा अर्थ लो लघुनि का अर्थ असंदिग्धार्थम, है ना भाई, ये लघुत्तम का अर्थ लेना है, जो आप लघु सिद्धांत कुमुदी में है ना सल्पाक्षरम असंदिग्धम कहा, सूत्र को यदि गुरु परंपरा से सुनेंगे, सूत्र हो कोई मंत्र हो श्लोक हो तो आपको संदेह नहीं होगा, समझ में कि नहीं। इसलिए सूत्र के विषय में परंपरा से अध्ययन करने पर कोई संदेह नहीं होता है ना, ये लघुत्तम का अर्थ हो गया संदेह से रहित, लघुत्तम का अर्थ है भाई, लिख कर रखो जिसको लिखना है, लघुनि का अर्थ संदेह से रहित, जो आपका श्लोक है ना भाई लघु सिद्धांत कौमुदी में अल्पाक्षरम असंदिग्धम, उसी असंदिग्धम को यहाँ पर लघुनि शब्द से कहा जा रहा है। क्यों, देखो जो विषय संदिग्ध होता है ना, है ना, वो नानार्थक होता है,
समझ में कि नहीं है। भाव अभावात्मक होता है, भाव कोई विषय करेगा अभाव कोई विषय करेगा। जैसे देखो रज्जु के विषय में आपको संशय हो, सर्प है कि सर्प नहीं है, देखो भावांतर उभयात्मक हुआ कि नहीं हुआ। संदिग्ध पदार्थ उभय पदार्थ को, उभय विषय को सूचित करता है, भाव अभाव को सूचित करता है सांशयिक संदिग्ध। रज्जु के विषय में आपको संदेह हो रहा है सर्प है कि सर्प नहीं है, उभय को विषय किया कि नहीं, देखो सर्प को सर्प के अभाव को, लेकिन ये रसी है तो एक ही ज्ञान हुआ है कि नहीं, भाव अभाव विषय नहीं होता है ना। हाँ, इसलिए यहाँ पर कह दिया लघुत्तम का अर्थ है सूत्र संदिग्ध न होने से, निश्चयात्मक होने से लघु हो गया। निश्चयात्मक पदार्थ लघु होता है और संदिग्ध पदार्थ गुरु होता है, गुरु गुरु भाव अभाव विषय होता है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है सुजाता जी, समझ में आया? हाँ, लघुनी का अर्थ ये है ना। अच्छा, और सुचितार्थानी, सुचितार्थानी का अर्थ, अच्छा आपका चल रहा है 56 में, देखो है हिंदी में दिया है आपको, हिंदी में एक श्लोक दिया है उसका भी अर्थ में भी दिया। सुचितार्थानी का अर्थ होता है जो आपके लघु सिद्धांत कुमुदी में है ना, विश्वतो मुखम स्वल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम। विश्वतो मुख को कहा यहाँ पर सुचितार्थानी, समझ में ना। तो यहाँ पर क्या सुचितार्थानी क्या मतलब है, को अर्थ तो सूचित होता है अर्थ आपको कम लगता है, लेकिन विचार जब करोगे तो बहुत अर्थ होता है, विश्वतो मुखत्व होता है। विचार करते जाओगे और स्पष्टीकरण होता जाता है, होते जाता है, उतनी गहराई में पहुँचते जाओगे, ये सूत्र होता है सच में। विश्वतो मुखतम है ना, देखो आप सुनते जाएंगे देखो कितनी गहराई। आपको लगता है इसमें सूत्र में क्या है, तीन तो पद हैं, अत है अत है ब्रह्म जिज्ञासा, लेकिन विचार करोगे देखो कितनी गहराई है इसमें इसको कहते हैं है ना सुचितार्थानी, मतलब विश्वतो मुखतम ये होता है ना। अच्छा, और आगे कहा स्वल्पाक्षर पद आनी चाहिए, ये तो स्पष्ट है ही हो है। तो सूत्र के जो अक्षर पद है वो थोड़े होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, है ना भाई। हाँ, और सर्वतः सारभूतानि, वो सार सार कहा जाता है सूत्र में, इसको कहते हैं मनीषीलोक सूत्राणि मनीषिणः, विद्वान लोग इसको सूत्र कहते हैं। और दोष अर्थ को नहीं दिया, स्वल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभम मनमध्यम च, उसको आप जोड़ कर रख लो। अस्तोभम का अर्थ होता है जहाँ पर कोई निरर्थक शब्द न हो, अस्तोभम स्तोभ का अर्थ है निरर्थक शब्द, सूत्र में निरर्थक शब्द नहीं होता है जिसका कोई प्रयोजन अर्थ न हो, ऐसा नहीं होता है ना। और अनवध्यम दोष नहीं होता है सूत्र में, अपनी बुद्धि में भले ही दोष हो है ना, लेकिन महापुरुष के द्वारा कहा गया वाक्य में कोई दोष नहीं होता है, सूत्र में कोई दोष नहीं रहता है ना। तो ये होता है सूत्र। तो हम लोगों ने कल सूत्र प्रारंभ कर दिया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, एक बार उच्चारण करा दो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो सूत्र में तीन पद हो गया अभी, अथ अत ब्रह्म जिज्ञासा, तो अथ का अर्थ अनंतर होता है, साधन चतुष्ट संपत्ति के अनंतर, विवेक वैराग्य षड़ संपत्ति, षड़ संपत्ति जानते हैं ना, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये है समाधि षट।
और अंतिम में होता है मुमुक्षुत्व, मुमुक्षा, मुक्ति की इच्छा हो और कोई इच्छा ना हो, है ना। ब्रह्म सूत्र पढ़कर विद्वान बनने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, मोक्ष की इच्छा हो तो चलेगा, और मोक्ष की इच्छा तो चाहिए चाहिए, है ना। और कोई इच्छा नहीं है, है ना। किसी किसी को लोग में अभिमान भी हो जाता है कि हमने भामती पढ़ ली, भामती पढ़ ली तो पढ़ने का अभिमान भी नहीं होना चाहिए। ये भी बड़ा कठिन काम है, सब छोड़ना पड़ता है, मोक्ष की ही इच्छा हो और कोई जीवन में इच्छा ना हो। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए? साधन चतुष्टय संपत्ति के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ करेंगे ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार, है ना। यहाँ पर इच्छा तो नहीं है, इच्छा यहाँ अर्थ अर्थ नहीं करेंगे, ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करना चाहिए। कर्तव्या, कर्तव्य शब्द का अध्ययन कर लो। ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य, ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करना चाहिए। जो करना चाहिए, हम कर्म करेंगे, उपासना करेंगे, अष्टांग योग करेंगे, हाँ बोलते हैं, उससे मोक्ष नहीं मिलने वाला है, उससे आपको संसार मिलेगा, अनित्य फल मिलेगा, मुक्ति नित्य रूपी फल मिलेगा नहीं। इसलिए कह दिया अतः, द्वितीय पद हो गया अतः। अतः का अर्थ होता है हेतु। पहला पद अतः का अर्थ हो गया अनंतर, ठीक ठीक से समझ लो भाई। अतः का अर्थ करेंगे अनंतर, आनंतर्य अर्थ, और अतः का अर्थ होता है द्वितीय पद हेतु। हेतु अर्थ किस हेतु से? ज्ञान से अतिरिक्त कोई भी साधन हो, वो साधन से मोक्ष मिलने वाला नहीं है, है ना। ज्ञान से अतिरिक्त साधन का फल अनित्य है, और ज्ञान का ही फल अनित्य होता है। इसी कारण से ये अतः का अर्थ निकलेगा। इसी कारण से साधन चतुष्टय संपत्ति हो गई तो क्या करना चाहिए? ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करना चाहिए। ये अर्थ होता है भी। अच्छा देखो, एक श्लोक है अधिकरण का श्लोक, मैंने ब्रह्म अभी व्हाट्सएप में दे दिया हूँ, है ना, वो लोग देख सकते हो। जिसके पास पुस्तक है उनमें एक श्लोक होगा, देखिएगा। हिंदी वाली पुस्तक में नहीं है अभी, और कोई पुस्तक हो तो देखिएगा। उसको कहते हैं अधिकरण सार, अधिकरण सार लिखे हैं स्वामी भारती तीर्थ, पंचदशी कार के गुरु जी, स्वामी विद्यारण्य मुनि के गुरु जी है स्वामी भारती तीर्थ, है ना। उसने अधिकरण सार लिखा, है ना। अधिकरण सार, अधिकरण का जो सार सार होता है उसको लिख दिया, इसलिए उसको भी आप लोग देखिएगा। श्लोक देखिए, अविचार्यम विचार्यम वा, है क्या आप लोगों के पास? है, हाँ उसको देखो जरूर। उसको पढ़ने से और सरल हो जाता है ना। जिसके पास नहीं है पुस्तक में, वो लोग व्हाट्सएप से निकाल करके लिख लीजिएगा। देखो, अविचार्यम विचार्यम वा, बोलिएगा, अविचार्यम विचार्यम वा ब्रह्माध्यासा निरूपणात्, ब्रह्माध्यासा निरूपणात् असंदेहाफलत्वाभ्याम्, असंदेहाफलत्वाभ्याम् न विचार्यं तदर्हति, न विचारं तदर्हति। और आगे,
अध्यासो हम बुद्धि सिद्धो, अध्यासो हम बुद्धि सिद्धो, संगम ब्रह्मा श्रुतिरितम्, संगम ब्रह्मा श्रुतिरितम्, संदेहान मुक्तिभावाच्च, संदेहान मुक्तिभावाच्च, विचार्यं ब्रह्म वेदतः, विचार्यं ब्रह्म वेदतः। देखो अधिकरण जो होता है ना, अधिकरण अधिकरण, अधिकरण में सबसे पहले विषय होता है, विषय है ना, तो विषय यही है भी। तो कह दिया आत्मा वरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, उसी के ऊपर ही विचार है। आत्मा का दर्शन करना चाहिए, आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए, है ना। और साक्षात्कारात्मक ज्ञान का साधन बता दिया, श्रवण मनन और निध्यासन, है ना। तो बोलते हैं कि आत्मज्ञान के लिए विचार करना चाहिए, श्रवण मनन निध्यासन करना चाहिए। तो बोले क्यों क्यों करना भी? अरे भाई कहीं कहीं तो उपासना से ही मुक्ति कही गई, समझ में ना, कहीं की कर्म से मुक्ति कही गई। तो उससे जब मुक्ति हो जाएगी तो इसका विचार क्यों करना है, समझ में ना। और कहते हैं कि अध्यास होता ही नहीं तो विचार क्यों करना है, समझ में ना। इधर शास्त्र कह रहे हैं कि आत्मज्ञान के लिए विचार करना चाहिए शास्त्र, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि अध्यास हो रहा है। आत्मा का कोई अध्यास तो है ही नहीं, शरीर आदि के साथ अध्यास होता हो तब तो फिर विचार करने से अध्यास की निवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि विचार तो उसी का होता है ना, जिसके विषय में संदेह हो और उसको जानने से कोई प्रयोजन होता हो, समझ में। इसलिए विचार करना चाहिए कि विचार नहीं करना चाहिए, है ना, विचार करना चाहिए कि विचार नहीं करना चाहिए, ये हो जाएगा संशय, है ना। उपनिषद के लिए जो ब्रह्मसूत्र का विचार बोलते हो, है ना, वो विचार करना चाहिए कि विचार नहीं करना चाहिए, संशय हो गया, है ना। अच्छा अब पूर्व पक्षी कहेगा, पूर्व पक्षी कहेगा कि विचार करना ही नहीं चाहिए, क्यों? ब्रह्म अध्यास अनिरूपणा, अयम आत्मा ब्रह्म कह रहे हो, आत्मा का स्वरूप ब्रह्म कह रहे हो, बोलो उसका कहाँ अध्यास होता, अध्यास तो होता ही नहीं है कि नहीं? अरे भाई शरीर और आत्मा में तो विरुद्ध स्वभाव वाला हुआ ना, पहले तो बोल दिया ना शुरू में ये शरीर मन बुद्धि इंद्रियां ये तो भाई जड़ पदार्थ है ना, ये जड़ पदार्थ है अनात्मा, और आत्मा तो चेतन पदार्थ है, विरुद्ध स्वभाव वाला है ये। विरुद्ध स्वभाव वाले दोनों पदार्थ है आत्मा और अनात्मा, इसलिए जो है अध्यास कैसे होगा? अध्यास हाँ रजू सर्प में तो हो जाए अध्यास, सुक्ति चांदी में तो हो जाए अध्यास आत्मा अनात्मा कहाँ से अध्यास होगा भाई? दोनों का स्वभाव ही विरुद्ध है, दोनों का स्वरूप ही विरुद्ध है, विरुद्ध स्वभाव वाले, और दोनों का लक्षण है, तीन हो गए ना, पहले कह दिया कि नहीं? तो प्रतीतितः स्वरूपतः, है ना, और क्या बोल दिया, व्यवहारतः, वहाँ पर ऐसा बोल दिया था, है ना, इसलिए है ना परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले होने के कारण अध्यास नहीं हो सकता, अध्यास अनिरूपणात्, ठीक है ना। इसलिए जो है विचार नहीं करना चाहिए भी, विचार नहीं करना चाहिए। असंदेह अफलत्वाभ्याम न विचारम तदर्थी, आत्मा के विषय में संदेह कहाँ हो रहा है? अरे यही तो आत्मा है भाई, अहम करके जो भान हो रहा है जिसके विषय में, यही तो आत्मा है, इसे अतिरिक्त तो कोई आत्मा तो है ही नहीं पूर्व पक्षी कहेगा, है ना, मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, कोई थप्पड़ मार देगा तो दुख नहीं हो रहा है क्या?
इसको दुख हो रहा, किसको हो रहा है? आत्मा को हो रहा है। तो आत्मा तो आत्मा का भान होगा तब तो दुख का भान होगा, है कि नहीं? इसलिए अहम करके भान हो रहा है, उसी में सुखी पना दुखी पना, और क्या है? यही आत्मा है, पूर्व पक्षी कहेगा, है ना? इसलिए संदेह ही नहीं है आत्मा के विषय में। और मान लो कि ऐसे आत्मा का ज्ञान है ना, आत्मा का ज्ञान निश्चय हो भी गया मान लो अब स्वयं का, तो क्या होगा उससे? तो कहाँ स्वर्ग मिलेगा? आत्मा का ज्ञान हो गया तो स्वर्ग मिलेगा कि ब्रह्मलोक मिलेगा? ना स्वर्ग मिलेगा ना ब्रह्म मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं, है ना? जो भी है वो भी चला जाएगा, है ना? जो भी है आपके पास वो भी चला जाएगा। तो इसलिए कोई फल तो है ही नहीं आत्मज्ञान का। अफलत्वाभ्याम, आत्मा के विषय में कोई संदेह ही नहीं है, और आत्मज्ञान का कोई फल तो है ही नहीं, समझ में ना? हाँ, जाग आदि कैसे करना है, उपासना कैसे करनी है, हाँ उस ज्ञान का फल तो है, स्वर्ग आदि फल है, ब्रह्मलोक फल है। इसलिए जो है देखो कह दिया, असंदेह और अफलत्व, ये तृतीया का द्विवचन करो अथवा पंचमी का द्विवचन करो, है ना? असंदेह अफलत्वाभ्याम, संदेह न होने से और कोई प्रयोजन आत्मज्ञान का न होने से, न विचारम तदर, इसलिए जो है शास्त्र के विचार नहीं करना चाहिए, योग्य नहीं है शास्त्र का विचार करना। ये होता है पूर्व पक्ष। और सिद्धांत होता है भी देखो, सिद्धांत ये होता है अध्यासो अहम बुद्धि सिद्ध, अरे भाई अध्यास क्यों नहीं हो रहा, अध्यास हो रहा है, अहम बुद्धि सिद्ध अध्यास है देखो। अरे अहम करके जो ज्ञान हो रहा है इसी से तो सिद्ध हो रहा है अध्यास, और क्या? शास्त्र कहे असंगो ही अयम पुरुष, आत्मा तो असंग है, सुख दुख से रहित है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च कहा गया, और फिर भी मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं मोटा हूँ पतला हूँ, आत्मा कैसे मोटा पतला होगा? अध्यास को देखना है तो इसी को देख लो बस। ये कोई भी नहीं कह सकता है कि आत्मा स्वरूप से स्थूल है, पतला है, ये है कि नहीं? फिर भी क्या भान हो रहा है, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, और क्या? इतनी बात छोड़ दीजिए, है ना? तो जहाँ पर ममा बुद्धि हो रही है उसमें सुख हुआ तो अपने को सुखी मान लेता है, उनको उनको दुख हुआ तो अपने को दुखी मान लेता है, और क्या? दूसरे को बुखार हुआ तो अपने को बुखार हो जाए, तो इससे बड़ा क्या अध्यास है बताओ? भले ही झूठी खबर मिल जाए, भले ही झूठी खबर मिल जाए उतने से ही दुखी हो जाता है, समझ में कि नहीं? यही अध्यास है। इसलिए अहम बुद्धि सिद्ध अध्यासा, अहम करके जो ज्ञान हो रहा है इसी से ही अध्यास सिद्ध हो रहा है। यही तो आत्मा है, इससे कहाँ अतिरिक्त आत्मा है? बोलता नहीं, असंगम ब्रह्मा श्रुति रतम, आत्मा का स्वरूप तो ब्रह्मा है, अयम आत्मा ब्रह्म श्रुति बोलती है, अब ब्रह्मा का स्वरूप असंग कहा गया, असंगो ही अयम पुरुष है ना? इसलिए ये अध्यास तो आत्मा का हो ही रहा है, ये मिथ्या ज्ञान है, ये है ना? अहम करके जो भान हो रहा है ये आत्मा के स्वरूप को विषय करने वाला ज्ञान नहीं है। अच्छा, तब तो ब्रह्म सूत्र का विचार करेंगे। बोलते हैं कि कोई प्रयोजन हो तब ना विचार करना चाहिए भी, तो बोलते हैं कि प्रयोजन है ज्ञान का फल मुक्ति कहेगी, और ज्ञान विचार से होता है ना? श्रुति ने कह दिया, आत्मा बारे द्रष्टव्य कह दिया, और साधन का विधान कर दिया, है ना? क्या विधान? श्रवण मनन और निध्यासन, और ज्ञान का फल भी कह दिया भी, ज्ञान आते वो तो कबल्यम तरते शोकम आत्मविद ब्रह्मविद आपमति परम, है ना? फल यदि न होता तो विचारणीय नहीं होता। देखो दो हेतु से कह रहे, संदेहात मुक्ति भावाच्य, आत्मा के विषय में संदेह भी हो रहा है और विचार करने पर ज्ञान का फल भी कहा गया, मुक्ति भावाच्य, मुक्ति भी होती है, इसलिए विचार्यम ब्रह्मा,
ब्रह्मा विचारणीय है, समझ में ना। कैसे विचार करेंगे, बुद्धि से करेंगे, किससे करेंगे, बोलते ना वेदतः, शास्त्र से ही ब्रह्म का विचार करना चाहिए। शास्त्र है उपनिषद, उपनिषद का स्पष्टीकरण है ब्रह्मसूत्र। अच्छा, तो ये होता है अधिकरण सार। बस इस अधिकरण में यही कहा जा रहा है, ये कहने का, इसको कहते हैं अधिकरण सार। तो सूत्र का विचार करेंगे, तीन पद है सूत्र में, अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा। इसके ऊपर भाष्य आएगा, तत्र अथ शब्द थोड़ी टीका देख लो है। तदेवं सूत्र तात्पर्य व्याख्याय, कहाँ से चलेगा देख लो, 56 में चलेगा ये श्लोक जो है ना, लघुनि सुचितार्थ ने, उसी के नीचे पंक्ति देखो। तदेव सूत्र तात्पर्य व्याख्याय तस्य प्रथम अथ इति व्याचष्टे। हाँ, सूत्र के तात्पर्य का व्याख्यान करके, और सूत्र में जो प्रथम पद है उस प्रथम पद हो गया अथ, अथ शब्द का व्याख्यान किया जा रहा है। तत्र देखिए टीका में, अथ शब्द हैं आनंतर्यार्थ परिगृहते। देखो कह रहे तत्र कहने से तेषु, भाष्य में ना देखो एक एक शब्द का विचार है, भाष्य में आ रहा है तत्र अथ शब्द में जो तत्र शब्द है, तत्र का अर्थ सूत्र पदेशु मध्ये, टीका का लिखते हैं सूत्र में जो पद है, सूत्र में तीन पद है, तीन पद अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा, अथ अव्यय पद है ना, तो हाँ तीन, ये सूत्र में तो तीन पद है, तीन पदों में से ये तत्र का अर्थ निकलेगा। टीका का लिख देखो, तेसु तत्र का अर्थ तेसु मतलब सूत्र पदेशु मध्ये, ये किसका अर्थ हो गया, तत्र का अर्थ मतलब तीन पदों में से जो पहला पद है अथ, उसका अर्थ कह रहे यो अयम अथ शब्द है, जो पहला अथ शब्द है सूत्रों में है ना, ये सूत्र के पदों में, सह ऐसा जो अथ शब्द आनंतर्यार्थ मतलब आनंतर्य इसका अर्थ है ना, इसका अर्थ क्या है, अनंत मतलब अनंतर इसके बाद, हिंदी में इसके बाद है ना, इति योजना ऐसी अर्थ की योजना करनी है ना। अच्छा, लेकिन भाई देखो जो सूत्र में पहला शब्द है अथ, इसका अन्य और कोई भी तो अर्थ हो सकता है, मंगल अर्थ भी हो सकता है, आरंभ अर्थ भी हो सकता है, बहुत सारे अर्थ है। आपके व्याकरण में अव्यय प्रकरण पढ़ेंगे, वहाँ पर है अथ मंगलानंतर आरंभ प्रश्न कार्ष्ण्य प्रतिज्ञा समुच्चयेषु, बहुत सारे अर्थ है अव्यय प्रकरण में आएगा, है ना। तो बहुत सारे अर्थ है तो अनंतर अर्थ क्यों ले रहे हो, ये कहने जा रहे हैं, देख लो। ननु अधिकारार्थो अपि अथ शब्दो दृश्यते, पूर्व पक्षी कह रहा है अधिकार का अर्थ आरंभ, यहाँ पर अधिकार का अर्थ आरंभ, आरंभ अर्थ में भी तो अथ शब्द का प्रयोग देखा जाता है, यथा जैसे अथ एष ज्योति इति वेदे, देखो वैदिक प्रयोग है, वेद वाक्य में कहा गया अथ एष ज्योति ही, इस ज्योति का आरंभ किया जाता है ना। तो यहाँ पर अथ एष ज्योति में अथ शब्द का अर्थ हो गया आरंभ, अधिकार मतलब आरंभ। अथवा लौकिक वाक्य ले लो, यथा वा लोके, लौकिक वाक्य मतलब क्या है, जो वेद वैदिक वाक्य न हो उसको कहते हैं लौकिक वाक्य है ना। अथ शब्दानुशासनम, देखो ये व्याकरण में आया अभी, अथ शब्दानुशासनम महाभाष्य में है ना, अथ शब्दानुशासनम बोल दिए, यहाँ पर अथ का अर्थ आरंभ है,
शब्दानुशासन जो व्याकरण है उसका आरंभ किया जाता है। अथ योगानुशासनम, देखो महर्षि पतंजलि बोल रहे हैं, तो यहाँ पर योगानुशासन जो शास्त्र है ना, पतंजलि जो योग शास्त्र है उसको कहते हैं योगानुशासनम। अनुशासन का अर्थ होता है शास्त्र, है ना। हाँ, अनुशासन का अर्थ शास्त्र, अनुशिष्यते अन्यति शास्त्रम, अनुशासनम, है ना। अरे योगस्य अनुशासनम योगानुशासनम, है ना, योग चित्तवृत्ति निरोध है ना, उसको प्रतिपादन करने वाला शास्त्र हो गया योगानुशासनम, मतलब योग सूत्र शास्त्र। योग सूत्र नाम जो शास्त्र है उसका अथ मतलब आरंभ किया जाता है, तो यहाँ पर अथ शब्द का अर्थ हो गया आरंभ इति। इसलिए जो है बहुत अर्थ है, कहीं आरंभ है, कहीं मंगल, मंगल तो आगे बोलेंगे, मंगल भी हो सकता है ना। इसलिए यहाँ पर अथ शब्द का अर्थ, जैसे अथ शब्दानुशासनम इत्यादि में आरंभ अर्थ में किया गया, इसी प्रकार से अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा में जो अथ शब्द है इसका अर्थ भी आरंभ कर लो। तो क्या अर्थ निकलेगा ऐसा अर्थ करने पर? कर्म से उपासना से मुक्ति नहीं होगी, है ना। तो इसलिए ज्ञान से ही मुक्ति होती होगी, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा करनी, ब्रह्म जिज्ञासा का आरंभ करनी करनी चाहिए, ये अर्थ निकलेगा कि नहीं? तो ये अर्थ घटेगा नहीं, ये अर्थ नहीं घट सकता है ना। टीका थोड़ी सी ले रहे, तद किमत्र अधिकारार्थो न गृह्यते, है ना भाई। इसलिए वहाँ पर जैसे आरंभ अर्थ अधिकार अर्थ में किया गया है ना, वेद में भी कहा गया है ना, लौकिक वाक्य में कहा गया, ठीक इसी प्रकार से इस सूत्र में भी क्यों नहीं आरंभ की, ऐसा अर्थ क्यों नहीं किया जाए, आरंभ अर्थ अधिकार अर्थ आरंभ। तो भगवान भाष्यकार ने कह दिया न अधिकारार्थ, भाष्य देखो, तत्र अथ शब्द आनंतर्यार्थ परिगृह्यते, ये तो सिद्धांत हो गया, आराम से चलो ब्रह्मसूत्र में, है ना। तत्र का अर्थ तीन पदों में से, सूत्र में जो तीन पद है उन तीन पदों में से ये तत्र का अर्थ हो गया। पहला शब्द कौन है? अथ, अथ शब्द आनंतर्यार्थः परिगृह्यते, अनंतर अर्थ वाला शब्द का ही यहाँ पर निश्चय किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, परिगृह्यते, है ना। न अधिकारार्थः, अधिकार अर्थ वाला अर्थ शब्द यहाँ पर नहीं है, अधिकार अर्थ आरंभ, आरंभ अर्थ को अर्थ शब्द नहीं बोध कराता है ना भाई। क्यों क्यों, कोई हेतु तो बताओ। टीका का लिखते हैं कुतः, किस हेतु साहब कह रहे हो? भाष्यकर भगवान ने कहा ब्रह्म जिज्ञासाया अनधिकार्यत्व। अरे भाई ब्रह्म जिज्ञास, ब्रह्म जिज्ञास की जिज्ञासा का आरंभ नहीं किया जा सकता है, ब्रह्म को जानने के लिए इच्छा, इच्छा कभी आरंभ बढ़िया नहीं होती, इच्छा करो बोलने से इच्छा आरंभ होती है क्या? है ना, इच्छा में विद्या नहीं हो, विधा विधि नहीं होती, आरंभ नहीं होता है, सच में ना, इच्छा तो हो ही जाती है, इसलिए बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासाया अनधिकार्यत्व। ब्रह्म जिज्ञासा जो है वो अनधिकार्य है, मतलब आरंभणीय नहीं होती है, इच्छा कभी आरंभणीय होती नहीं है, है ना। इच्छा तो हो जाती है, ईश्वर का अनुग्रह हो, सच में ना, आपने कभी पुण्य किया है, ईश्वर अनुग्रह आदेशा पुंसान अद्वैत वासना महाभय कृतत्राणा दित्राणा यदि जाए थे, आचार्य सी हस करते हैं, हमने कभी पुण्य किया हो तो हमारे पर ईश्वर का अनुग्रह हो तब जा करके अद्वैत परमात्मा को जानने की इच्छा होती है, इच्छा के आरंभ नहीं की जाती, इच्छा तो हो जाती है भाई, सच
समझ में ना, इसलिए यहाँ पर कह दिया कि ब्रह्म जिज्ञासया अनधिकार्यत्व, ब्रह्म जिज्ञासा अनधिकार्य है, मतलब आरम्भणीय नहीं होती है। अच्छा थोड़ी टीका है इसके ऊपर, जिज्ञासा तावत इह सूत्रे ब्रह्मणश्च तत्ज्ञानश्च शब्दतः प्रधानम प्रतीयते, ऐसा पाठ है क्या आपके पुस्तक में? जिज्ञासा तावत इह सूत्रे, टीका में ब्रह्मणश्च तद्ज्ञानश्च, ऐसा पाठ है? प्र को काट दीजिएगा, प्र नहीं चाहिए, केवल ज्ञानाच्च तत् ज्ञानाच्च, ठीक है ना भाई, तत् ज्ञानाच्च शब्दतः प्रधानम प्रतीयते, ऐसा पाठ करो, समझ में ना। जिज्ञासा तावत यह सूत्रे, है ना, जिज्ञासा जानने की इच्छा है भाई, है ना, इस सूत्र में अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में, और ब्रह्मणश्च ब्रह्म तद्ज्ञानाच्च, देखो जिज्ञासा शब्द जो है ना, इससे ये प्रतीत होता है, जिज्ञासा शब्द से, है ना, क्या प्रतीत होता है, बोलते हैं ब्रह्मणश्च तद्ज्ञानाच्च, देखो ब्रह्म जिज्ञासा का सामान्य अर्थ हुआ है ना, इच्छा, किसकी इच्छा, ज्ञान की इच्छा, किसका ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ, है ना, इच्छा, इच्छा का विषय हो गया ज्ञान, इच्छा का विषय हो गया, है ना, जानने की इच्छा मतलब क्या हुआ, इच्छा का विषय ज्ञान, और ज्ञान का विषय ब्रह्म, है ना, ब्रह्म को विषय करने वाला ज्ञान, अरे ऐसे ज्ञान को विषय करने वाली इच्छा, यही तो प्रतीत हो रहा है, ये बात कह रहे हैं, देखो सूत्रे ब्रह्मणश्च और तद्ज्ञानश्च, उसका जो ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान, यही शब्दतः, यही जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा शब्द से प्रधानम प्रतीयते, ये देखो इसकी अपेक्षा से, ब्रह्म की अपेक्षा से और ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा से प्रधान कौन है, इच्छा, इच्छा होगी प्रधान, जिज्ञासा प्रधानम प्रतीयते, क्योंकि देखो षष्ठी तत्पुरुष समास होता है ना, तत्पुरुष समास में उत्तर पदार्थ प्रधान होता है, है ना, इसलिए ब्रह्मण जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा करोगे और जिज्ञासा में भी क्या है, ज्ञातो में इच्छा जिज्ञासा है कि नहीं, इसलिए ब्रह्म और ब्रह्म विषय जो ज्ञान, उसकी अपेक्षा से जो इच्छा है वो होगी प्रधान, है कि नहीं। अच्छा इसका हम लोग कल विचार करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।